नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS Digitals में। जैसा कि आपको पता है कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम चेंज होकर अब शंकर साह राजा शंकर साह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा ये हो गया, राजा शंकर साह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा हो गया है। तो इसमें यदि आप पहले जो एडमिट कार्ड निकालते थे वो MP ऑनलाइन की वेबसाइट से आप डायरेक्ट निकाल लेते थे, यहाँ CUC की जो वेबसाइट थी उसके ज़रिए, लेकिन अब क्या हो गया है, एडमिट कार्ड निकालने का जो तरीका है वो ऑटोनॉमस यदि कॉलेज है आपका तो उसके लिए चेंज कर दिया गया है। तो ऑटोनॉमस कॉलेज यदि आपका है और आप रेगुलर स्टूडेंट हैं और आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम के लिए आप एडमिट कार्ड कैसे निकालेंगे इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी एडमिट कार्ड निकालने में दिक्कत ना जाए और वो आसानी से अपना एडमिट कार्ड निकाल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर नहीं, आपको दूसरी वेबसाइट पर जाना होगा। वो कौन सी वेबसाइट है चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, आपको किसी भी ब्राउज़र पर गूगल ओपन करना है और गूगल पर आपको सर्च करना है ISMS लिखकर आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप ISMS लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने देखिए ये ऑप्शंस दिखाई देगा, आपको ये लिंक दिखाई देगी, इंस्टीट्यूट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ISMS.MPOnline.gov.in। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए इसका होम पेज आ जाएगा। अब यहाँ से आपको ये जो ऑप्शंस दिखा रहे हैं इसमें कहीं भी नहीं जाना है, आपको लॉगिन पर जाना है। देखिए लॉगिन, यहाँ लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस आएगा सेलेक्ट यूज़र टाइप। तो आपको यदि आप कियोस्क संचालक हैं और कियोस्क वाले यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर कियोस्क सेलेक्ट कर लेंगे आप, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका जो एनरोलमेंट नंबर वो और आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो पासवर्ड जनरेट किया था वो पासवर्ड, इसके बाद यहाँ कैप्चा कोड ये लिखकर लॉगिन कर लेंगे आप। तो चलिए हम स्टूडेंट लॉगिन आप कर लीजिएगा, हम यहाँ पर कियोस्क लॉगिन करके दिखाएंगे आपको। स्टूडेंट यदि आप हैं तो आप अपना लॉगिन कीजिएगा, यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट करने के बाद फॉरगॉट पासवर्ड पर जाकर आप अपना पासवर्ड बदल भी सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, नया पासवर्ड आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कियोस्क सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यूज़र नेम में हमारा जो यूज़र नेम है वो हम डाल लेंगे। यदि आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपना यूज़र नेम यहाँ पर फिल कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे एक यूज़र नेम लिख लिया, अब यहाँ पर हम अपना पासवर्ड फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप ये जो कैप्चा कोड दिखाई देगा जब आप फिल करेंगे आपको अलग कैप्चा कोड आएगा। तो यहाँ पर 2+3 दिखा रहा है तो 2+3 5 होता, तो यहाँ आंसर में आपको 5 लिख देना है। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है, ये जो रेड कलर से लॉगिन है यहाँ पर। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यदि कियोस्क से करेंगे तो ऐसा आएगा और स्टूडेंट से करेंगे तो अलग आएगा। तो हम यहाँ पर ISMS सर्विस इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस दिखाई देंगे, फी पेमेंट, एडमिट कार्ड, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, रिटोटलिंग के लिए और एग्ज़ाम फॉर्म। यदि आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो यहाँ से फिल करेंगे, हालांकि अभी ये ऑप्शंस स्टार्ट नहीं किया गया है एग्ज़ाम फॉर्म का, जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से अभी आपका फ़ी पेमेंट का ऑप्शंस आ गया है और एडमिट कार्ड का, ये दो चालू कर दिए गए हैं। ये सिर्फ ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए अभी चालू किए गए हैं, बाकी के लिए यदि होंगे तो हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अब आपको यदि यहाँ से एडमिट कार्ड निकालना है इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड ओनली फॉर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स दिखा रहा है, मतलब अभी आप ऑटोनॉमस कॉलेज यदि आपका है तो आप यहाँ से एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और एप्लीकेंट आईडी, स्कॉलर आईडी ये मांगेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी यूनिवर्सिटी है। जैसे यहाँ पर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी दिखा रहा, हालाँकि नाम चेंज हो गया लेकिन अभी भी पुराना नाम दिखा रहा है। इसके बाद कॉलेज, यहाँ पे आपका जो भी ऑटोनॉमस कॉलेज है, यहाँ पे देखिए इतने कॉलेज ऑटोनॉमस है यहाँ पर ये दिखा रहे, तो हम ये ऑटोनॉमस कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए एप्लीकेंट आईडी या स्कॉलर आईडी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि आपके पास एप्लीकेंट आईडी है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। चलिए हम एक एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर फिल करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये एक एनरोलमेंट नंबर हमने यहाँ पर फिल कर लिया है। अब डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे उसके बाद नीचे शो डिटेल्स का ऑप्शंस आपको दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए अब आपसे ब्रांच मोड और सेलेक्ट ईयर मांगेगा। तो ब्रांच मोड पे आपको यहाँ पर आपका रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट ईयर तो जो आपका थर्ड ईयर है आप, यदि सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर है, जो भी आपका यहाँ ईयर है वो ईयर दिखाएगा, आपका जो ग्रेजुएशन का ईयर है वो दिखाई देगा आपको यहाँ पर, तो आपको अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ फाइनल ईयर है, अब आपको यहाँ पर 3 सेलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद देखिए सो एडमिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे आप क्लिक करेंगे, हम स्क्रॉल डाउन करके दिखाते हैं आपको, तो ये देखिए यहाँ पर आपको आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का बहुत ही सरल और आसान तरीका है। यदि हमारी बताई जानकारी और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।